कुछ बोलना है आपको हमारा दर्शकों को जो देख रहा है ये वीडियो? दर्शकों को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है तो आइए। आरो खाबी नी बिरी को आरो खाबी को ना खाओ कानो धर कानो धरी को कारो ना खाओ बिरी ना खाओ आरो बिरी हां जो स्कूल जाबी बिरी ना खाबी आरो हां देखते रहे चैनल को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटी हिस्ट्री ब्लॉग। ह्यूमैनिटी हिस्ट्री ब्लॉग का एक फ्रेश वीडियो में आप लोगों करते हैं दिल से स्वागत। कहीं पे जाने से पहले अगर किसी के लिए वेट करना पड़ता है और वो नहीं आता है तो एक बात को याद करके चलना पड़ता है, यदि तुर डाक सुने के ना आसे तो भी एकला चलो रे एकला चलो एकला चलो रे। तो आज हम लोग जाएंगे कामाख्या टेम्पल पे और आप लोगों के लिए कुछ नज़ारा कुछ व्यू कुछ झलक और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और हमारा साथ हमारा इस कामाख्या टेम्पल के ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट में है आलू भाजी और एक सब्जी और रोटी और आमलेट, तो इसको खा के आगे चलते हैं। फाइनली अभी हम कामाख्या टेम्पल का जो मेन गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ऐसा नज़ारा, और इसी रास्ते से हम लोगों को जाना पड़ेगा आगे। तो आगे चलते हैं और रास्ता का व्यू और कुछ यूनिक सा नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। जिंदगी यूं गले लगी है लगी है। आइए और देखिए क्या बेहतरीन जगह है ये कामाख्या टेम्पल। ये पीता है वो भी नहीं पिया है, ये पिया है बाबा। बीरी तुम क्यों पीते हो? नहीं एगो लोरा ये बोल रहा है, ये बुजुर्ग आदमी बोल रहा है कि आप छोटा बच्चा बीरी पी रहा है, गाली देता है आपसे लेता लेके पीता है गाली? नहीं हाँ बाबा नहीं गाली देने लगता है। आप नहीं देने से गाली देता है? गाली देता है क्या? तो बोल रहा है ऐसा बुरा आदमी झूठ बोलेगा क्या? ये बुरा आदमी झूठ बोलेगा? इतना छोटा उम्र में तुम बीड़ी पी रहे हो? इज्जत के चलते हो आगाना जहां तक मोचा। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा घर कहाँ पे है? घर कहाँ पे है? कौन फले घर से तुम्हारा? तुम्हारे देवतर नाम की? देवतर नाम की? जबरदस्ती करता है इसी बात में। तो बुरा मानुआ लगे क्यों को बीड़ी लोग खाब लगे? इमान हरू बच्चा तो बीड़ी खाई आसा हाँ और खाबी निकी बीड़ी को और खाबी को ना खाओ कानो धर कानो धरी को कारो ना खाओ बीड़ी हाँ जो स्कूल जाबी बीड़ी ना खाबी और बुरा मानुआ लगे नकबी तो बयस किमान डांगर है तो देवत के बेसि बयस है बुरा मानुआ लगे नकबी जाइए आप। कामाख्या मंदिर भारत का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सती की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इस मंदिर का अपना अलग ही तांत्रिक महत्व है। यदि आप भारत में नॉर्थ ईस्ट के टूर पर हो तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना पूर्वोत्तर भारत की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाले नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है, जो रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जाता है कि यह मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। गौरतलब है कि इस मंदिर में आपको मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप भी देखने को मिलेंगे। प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है गीला वस्त्र। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी की रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में देवी शक्ति की कोई मूर्ति नहीं है। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहां आपको देवी के मंदिर के अंदर योनिनुमा संरचना दिखेगी। इस संरचना को देवी शक्ति की योनि के रूप में पूजा होता है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दौरान देवी अपने मासिक चक्र में होती है और इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है।
देवी के मासिक चक्र के समय यह मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था, जिसे 17वीं शताब्दी में बिहार के राजा नर नारायण द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा रुका है कुछ नज़ारा दिखाने के लिए आप लोगों को। तो ये है व्यू पॉइंट, देख सकते हो ये व्यू पॉइंट है। और रास्ता ऐसा है, इधर से ऐसे करके आप लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग कामाख्या टेम्पल में और ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे आप लोग अगर गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो और आगे मंदिर का दर्शन कर सकते हो। तो नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे आगे का होटल है, खाने के लिए है, रहने के लिए है और यहाँ पे नया बना रहा है। और बहुत सारे लोग आया हुआ है यहाँ पे दर्शन के लिए। तो ये है कामाख्या टेम्पल, वेलकम टू कामाख्या टेम्पल। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं टेम्पल का। बहुत सारा भक्तगण देश विदेशों से कामाख्या टेम्पल में दर्शन करने के लिए आता है और कामाख्या टेम्पल में हमेशा भीड़ लगा हुआ रहता है, आप लोग देख सकते हो। ओम ओम बाबा, ओम ओम भोले। यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश रहते हैं। यहाँ पे आए? आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कब आया? और 2 दिन हो गया। अच्छा, ये भी आपका साथ आया क्या? नहीं, अलग से। आप कहाँ से आया? बिहार। बिहार से? और आप यूपी से? यूपी से। अच्छा ठीक है, कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं? ये मंदिर, मंदिर पे ही? नहीं, मंदिर पे तो दर्शन करने गया था। अच्छा, कर लिया? हाँ कर लिया। ठीक है। और आप कहाँ से आए? हम यहीं से, हाथी गाँव। हाथी गाँव? हाँ, गुवाहाटी गए हम। गुवाहाटी? हाँ। यहाँ रहने वहने कोई व्यवस्था है? हाथी गाँव में हाथी मिलता होगा? नहीं नहीं, पहले मिलता था। क्या बात बोल दिया। ठीक है, हम थोड़ा आगे दर्शन करके आते हैं, आगे थोड़ा दर्शन करके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। कामाख्या मंदिर में हर वक्त भीड़ लगा रहता है। तो बाबा जी, आप जाएंगे ऊपर? ऊपर नहीं जाना है। हाँ, नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाने का मतलब समझिए साफ चला जाता है, इंसान का ऊपर जाता है। अच्छा, वो बात बोल दिया आपने। आप तो बहुत मजाकी आदमी है। अरे, लड़की ने पूछा है अपने बहन से कि पापा जी कहाँ हैं? हाँ। तो ऊपर जा रहे हैं कि कार उठाया वहाँ से बाई में आ गया उसके यहाँ। अच्छा अच्छा। और कहा कि पापा जी, हाँ, अरे पक्का पर छत पर जा रहे थे। अच्छा अच्छा। नहीं, कुछ स्वर्गवास चले गए थे। अच्छा, इसलिए आप बोलो ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही रहना है। हाँ, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलिए जाएंगे। तो यहाँ पे आके हमको एक बाबा से मिला। ये जो बाबा है ये बिहार से आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो बाबा से, बाबा बहुत मजा किया है, बहुत मतलब दूसरे बाबा का जैसा नहीं है ये। ये बहुत फुर्तीला है और ऐसा बात करता है कि सुन के अच्छा लगता है। तो चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और बाबा है हमारा साथ। बाबा कुछ बोलेंगे क्या? कुछ बोलना है आपको हमारा दर्शकों को जो देख रहा है ये वीडियो? दर्शकों को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है तो आइए। तो बाबा ने बोला कि दर्शकों को कुछ बोलना है, देखते हैं बाबा क्या बोलता है। बोलिए बाबा। अरे, दर्शक लोग हर वक्त अपनी गंभीरता बनाए रखे और दर्शन करें, मासे पे भीड़ न जमाए कहीं। हाँ, हाँ, देखते रहे इस चैनल को। हाँ। और किसी पर कोई जुर्म न कर पाए। ठीक है, अपने आप को संभाल के चले। हाँ, हाँ, वो तो बात है, इंसान ही जुर्म करते हैं इंसान पर। हाँ, ठीक बोला बाबा ने। स्वतंत्रता दिवस में कहा जाता था कि अपनी सफाई आप करो, पूरा करके साफ करो। हाँ, अपनी शिखर की पन्नी अपनी जेब में रखे, कहीं दूसरे जगह फेंक दीजिए। अच्छा, जगह कचरा फैल जाएगा। हाँ, तो कचरा तो नहीं फैलाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, जहाँ भी जाना चाहिए अच्छे से रहना चाहिए, दूसरे को सम्मान करना चाहिए। मजबूर को सब दबाता है, मजबूरी को सब दबाता है, मजबूर को सब दबाता है। मैं मजबूर हूँ, बिहार से हूँ। हाँ, मुझे रंगा हुआ है जहर से। हाँ। ये केस दाढ़ी जहर से और कान में जहर डाल देता है। आपका घर संसार नहीं है क्या? घर से बेघर हो गया मैं, कर दिया गया मुझे। क्यों? अपनों ने कर दिया मारपीट करके,
भेड़िया ने मेमने से कहा मैं तुझे खा जाऊंगा। अच्छा अच्छा, इसकी कोई अर्थ होगी? वो तो आपको पता नहीं बाबा जी, आपको पता होगा, आप विद्या रखनी है। भेड़िया पानी पी रहा था नदी में, दूसरे तरफ जाने दीजिए, इस तरफ जैसे भेड़िया पानी पी रहा था, इस तरफ बाघ पानी पी रहा था। अच्छा, तो बाघ कहता है भेड़िया से तो मेरे पानी को जूठा कर दिया है। हाँ, नहीं चाचा, मैं सब दिन पानी पीने आता हूँ, कहाँ पानी पीने जाऊँगा। हाँ, तो नहीं, मैं तुझे खा जाऊँगा। अच्छा, भेड़िया ने मेमने से कहा मैं तुझे खा जाऊँगा, मुहावरा है ये, बहुत समझाना पड़ेगा इस पर। अच्छा अच्छा, मैट्रिक क्लास का है। अपनी बुलंदी को बनाए रखिएगा, किसी के चक्कर में ना फंसिएगा। ठीक, दस्तूर और दोस्ती में अंतर होता है। जैसे दो दोस्त थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। अच्छा, तो जुम्मन शेख, हाँ, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख के खाला जान थी एक मौसी। हाँ, उसने उसको धिया पुता नहीं थी। अच्छा, लड़का लड़की। हाँ, तो कहा रे जुम्मन बेटा, खाला जान ने कहा तू मुझसे जमीन जथा लिखवा ले, गहना गिरोह हमसे ले ले तू। अच्छा अच्छा, और तू मेरा सेवा कर, मुझे कोई नहीं है। सब बुढ़िया से लिखवा के बुढ़िया को मारपीट करने लगा, घर से निकालने लगा। तो अलगू चौधरी कहाँ गया कि गांव के तब मुखे हो तू, मेरा पंचायती कर दे। पंचायती में आया तो देखा जुम्मन चौधरी, जुम्मन मियाँ की ये तो मेरे तरफ से करेगा। बहुत खुशी हुआ। अलगू चौधरी ने कहा कि अरे अपनी खाला जान का संपत्ति फेर दो। तो जुम्मन मियाँ कहता है अरे चौधरी तुमसे दोस्ती टूट जाएगा मेरा। तो दोस्ती का दस्तूर और ये समाज का दस्तूर अलग होता है। ठीक है बाबा, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, रहिएगा अच्छे से रहिएगा। हम थोड़ा अंदर, आप अंदर जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको मिलना होगा। तो आप तो नीचे रहते हैं, आप तो ऊपर नहीं जाते हैं ना, आप नीचे ही रहते हैं। तो चलो मिलते हैं। ये आप लोगों का सामने कामाख्या टेम्पल का मुख्य द्वार, और इससे हम लोग अंदर जाएंगे और आप लोगों को कुछ इस कामाख्या देवालय का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है अंदर से नज़ारा, ये है टेम्पल, पूरा मधुमक्खी का छत्ती जैसा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे बलि दिया जाता है, और नज़ारा कुछ इस प्रकार सा है। मैं आप लोगों को चारों तरफ से घुमा के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमारा एक फौजी भाई पिक्चर क्लिक करने के लिए पोज दे रहा है, और आगे का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा है। ये टेम्पल एक ब्यूटीफुल टेम्पल माना जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, और ये कामाख्या देवालय में जो लोग आता है उनका मनोकामना पूरा होता है ऐसा माना जाता है। हो दादू, कहाँ से आया? नलबड़ी से आया। अच्छा दादू, हला से नहीं। ये पूरा टेम्पल का अंदर है हम लोग अभी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है ऐतिहासिक जो कामाख्या माता का टेम्पल। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। तो ऐसे रोड से आके आपको ये मिलेगा फास्ट गेट, उसके बाद आप लोगों को ऐसे ऐसे करके ऐसा मिलेगा, और आगे ऐसे 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 करके आप लोगों को ये जगह जो है, ये जगह पे अभी हम लोग हैं कामाख्या टेम्पल। ये नीलाचल हिल्स पे अवस्थित है। तो आगे बंद है, गेट है और आदमी का घर है। तो ये था कामाख्या टेम्पल का म्यूजियम। तो मेरा पीछे है कामाख्या टेम्पल, तो बहुत सारा भक्त यहाँ पे आया हुआ है, और अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और देखेंगे क्या है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ के दौरान अपनी पुत्री सती के पति शंकर को अपमानित किया, जिससे सती ने दुखी होकर उसी यज्ञ में आत्मदहन कर लिया। शिव के क्रोध से समस्त ब्रह्मांड सती की मृत देह को देखा तो वो क्रोध से तिल मिला उठे। शिव के क्रोध से समस्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक कर मां सती के अंगों को अलग कर दिया। माना जाता है कि इस दौरान सती के शरीर के 52 हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे। इन्हीं अलग अलग हिस्सों को आज देवी के 52 शक्ति पीठों के रूप में जाना जाता है। कहते हैं मां सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा,
इसीलिए इसे कामाख्या मंदिर का नाम दिया गया। मंदिर में कूड़ा और कचरा जो जमा होता है इसको ये लोग अभी साफ कर रहा है। बताइए, दर्शन करके लौट आए? हाँ, अभी तो पूछ रहे थे कहाँ से आए। लौट आया, अभी गया था अंदर, लौट के आया। ठीक है, मिलेंगे फिर। अब तो यहीं भी रहेंगे ना? अब कब तक रहेंगे पता नहीं, मैया जाने। अंबुबसी मेला तक नहीं रहेगा क्या? अंबुबसी मेला तक नहीं रहेगा? मैया जाने, प्रभु जाने, अब हम क्या बताएं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्हीं का काम है सब। काजीरंगा से आया? काजीरंगा कहाँ पे है घर आपका? काजीरंगा आपका बागोरी। बागोरी, अच्छा अच्छा, कैसा लगा आके? बहुत ही अच्छा लगा, फील लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हुआ है। अच्छा, दर्शन कर। कौन कौन है? आप अकेला है क्या? मैं हूँ, मेरा वाइफ। ओ अच्छा, आपका नया वाइफ है क्या? नया। कितना दिन हुआ शादी किया? शादी का अभी मेरा एक महीना जितना हो रहा है, एक महीना हुआ। ठीक है, आपको बधाई हो शादी का, खुश रहो। ठीक है भाई, आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करें भैया के चैनल का। हमेशा हिस्ट्री ब्लॉग मैक ह्यूमिडिटी हिस्ट्री ब्लॉग चैनल का नाम है यूट्यूब में, ह्यूमिडिटी हिस्ट्री ब्लॉग मानने से आ जाएगा। नया जगह भी भैया दिखाएंगे, नया नया कुछ और भी चीज सीखने को मिलेगा भैया। जरूर जरूर जरूर, इनको भैया का सपोर्ट कीजिए आप लोग भी, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं भैया को। थैंक यू भैया, मिल के अच्छा लगा आपसे। तो ब्लॉगिंग करने में एक दिक्कत है कि अगर आप कहीं पे भी बातें करते हो तो अगल बगल का जो आदमी होता है वो लोग आपको देखता रहता है कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग जानता है कि ब्लॉगिंग है, ऐसे जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना, तो कुछ लोग को पता ही नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हो भाई, ऐसे वीडियो बना के क्या फ़ायदा होगा। तो हमारा काम ही यही है, ह्यूमिडिटी हिस्ट्री ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को कुछ अच्छा सा जगह, अच्छा सा नज़ारा दिखाना। तो चलिए, अभी कामाख्या टेम्पल वहाँ पे है और ये रास्ते से हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा, व्यू पॉइंट है एक, और वहाँ पे ले जाएंगे आप लोगों को और दिखाएंगे उस नज़ारा। ऊपर आने के बाद हम लोग यहाँ पे और एक व्यू पॉइंट मिला, तो देखते हैं व्यू पॉइंट से नज़ारा कैसा आता है। अभी हम लोग है नीलाचल पहाड़ के एकदम ऊपर और आप लोग उपभोग कीजिए कुछ नेचुरल का मनोरम दृश्य। इससे आगे ऊपर में आप लोगों को मिलेगा भुवनेश्वरी टेंपल। तो भुवनेश्वरी टेंपल का जो रास्ता है कुछ इस प्रकार सा है और प्राकृतिक जो मनोरम दृश्य है यहाँ पे आके हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ यूनिक सा रिवर व्यू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो का आगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कोई नए जगह पे, कोई नए आदमी के साथ, कोई नए टॉपिक को लेके। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।